मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और संगठक कॉलेजों में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर इस बार कॉलेज प्रशासन सख्त रवैया अख्तियार करता दिखाई दे रहा है। इसको लेकर बुधवार को छात्र कल्याण अधिष्ठाता ने 20 से अधिक छात्रों को नोटिस थमाते हुए उन्हें शहर में यहां वहां कॉलेज परिसर के बाहर पोस्टर और बैनर लगाने पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही चुनाव के दौरान छपवाई जाने वाले पैम्पलेट, पोस्टर, बैनर और अन्य चुनाव प्रचार के लिए छपाई जाने वाली सामग्री की प्रसार संख्या का हवाला देने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही जिस प्रिंटिंग प्रेस से यह सामग्री छपवाई जाएगी वहां का बिल और सामग्री का विवरण भी मांगा गया। इसके साथ ही लिंगदो कमेटी की पालना सुनिश्चित करने की बात भी कही है। वहीं भविष्य में प्रतिबंधित प्रचार प्रसार सामग्री का उपयोग नहीं करने की बात भी कही गई। पत्र में अंतिम चेतावनी का हवाला देते हुए छात्र नेताओं से सार्वजनिक रूप से बैठकें आयोजित करने, जुलूस अनुमति मिलने के बाद ही निकालने की बात कही गई। साथ ही जिन छात्रों को नोटिस दिए गए हैं उनसे 7 दिन के अंदर कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब देने की बात कही गई। ऐसा नहीं करने वाले छात्रों और छात्र नेताओं का नामांकन भविष्य में निरस्त किए जाने की बात भी कही गई है। अब देखना यह होगा कि छात्र नेता लिंगदो कमेटी के इन नियमों की पालना कितनी ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि यह तो सर्वविदित है कि छात्र संघ चुनाव में छात्र नेताओं द्वारा अपने पक्ष में मतदान करवाने को लेकर क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं। अगर लिंगदो कमेटी के यह नियम सख्ती से लागू हो जाते हैं तो यह तो तय है कि कॉलेज परिसर में छात्र संघ चुनाव की रंगत भी पूरी तरह बदली नजर आएगी। लेकिन एक सवाल यह भी, क्या चुनाव लड़ने वाले छात्र नेता लिंगदो कमेटी के इन नियमों में वाकई पालन करेंगे। खैर, यह तो आने वाले दिनों में चुनाव के दौरान साफ साफ नजर आने वाला है। जी सर, कौन कौन प्रत्याशी कैसे भाग ले सकता है इस एजुकेशन में? देखिए, हमारी इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर 2-टायर सिस्टम है। पहले सिस्टम के अंदर क्या है कि कॉलेज लेवल के ऊपर प्रत्याशी खड़ा हो सकता है और कॉलेज लेवल के ऊपर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी, ये 4 तरह की पोस्टें हैं। कॉलेज लेवल के लिए सेकंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स जो भी बच्चा है वो प्रत्याशी बन सकता है। फर्स्ट ईयर का बच्चा किसी पोस्ट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, वो केवल CR जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है जो रेस्पेक्टिव कॉलेज में इसका इलेक्शन होगा उसके लिए इंटाइटल्ड है। अदरवाइज उन सभी पोस्टों के लिए सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स होने चाहिए और उसकी मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए, लेकिन लो के स्टूडेंट्स के केस में 28 ईयर्स हैं। अब रही बात अपेक्स बॉडी के लिए, तो अपेक्स बॉडी के लिए प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के लिए PG का स्टूडेंट्स होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट का रेगुलर बच्चा ही ये कॉन्टेस्ट कर पाएगा। लेकिन जॉइंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जॉइंट सेक्रेटरी के लिए सेकेंड एंड ऑनवर्ड्स वाला बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा और एज लिमिट वही है, मैक्सिमम 25 ईयर्स हैं, यानी 1 अगस्त 2022 को 25 साल से कम होना चाहिए, 25 साल तक तो वो एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन लो स्टूडेंट्स के लिए 28 ईयर्स है और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी 28 ईयर्स है। सर, अभी एग्जाम भी लेट हुए हैं, एक PG के एडमिशन नहीं हुए, ऐसे में कोई वहाँ से PG में एडमिशन लेता है फिर उसको कैसे करवाए? हाँ, तो मैंने बताया ना आपको अभी कि हमने प्रोविजनल एडमिशन्स स्टार्ट कर दिए थे, तो जिनका ग्रेजुएशन के अंदर 3rd ईयर में यदि किसी तरह का रिजल्ट नहीं आया है तो उन्हें रिजल्ट का वेट नहीं करना है, उनको हमने कह दिया है कि आप प्रोविजनल एडमिशन ले लीजिए PG के अंदर, और PG में प्रोविजनल एडमिशन मिल जाता है तो दे आर इंटाइटल टू कंटेस्ट द इलेक्शन, तो वो मतदाता सूची में उनका नाम आ जाएगा। लेकिन इसके साथ उनको 5,000 का ड्राफ्ट कल तक जमा कराना था, वो लाइट चली गई है, तो कल तक हमारे पास जो कैंडिडेट्स आए उन सबका नाम हम वोटर लिस्ट में इंक्लूड कर देंगे। सर,